Hallelujah. 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 महिमा 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 मेरे परमेश्वर की. ग्लोरी 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 जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खुदावंद की पाक हजूरी में. मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तो आइए हम रोजाना की तरह शाम की प्रार्थना में चलते हैं. पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें अभी तक संभाला हुआ. हालेलुया. तो आइए मेरे साथ एक मन एक चित्त हो लीजिए, क्योंकि वचन में लिखा जब जो खुदावंद के चेले थे जब वो एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना करते थे तो क्या होता था, बंधन टूटते थे, रोगी रिहा होते थे. हालेलुया. तो आइए प्रिय भाई बहनों हम वचन की ओर चलते हैं. आज का वचन हम निकालेंगे मत्ती की इंजील, उसकी हम 18 बाब की हम पढ़ेंगे 15 को, जहाँ लिखा अपराधियों के प्रति व्यवहार कैसा हमारा होना चाहिए. अपराधी मतलब जिन्होंने हमें दुख दिए, तकलीफ दिए, जहाँ खुदावन के लिए कुछ गलत किया है, जहाँ आपके लिए कुछ गलत किया, हमारे लिए कुछ गलत बोला है, तो उन्हें क्षमा देनी है. तो आइए वचन की ओर चलते हैं. यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा. यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे भाई ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, पर मैं चाहता हूँ कि तू उसे समझा, उसे क्षमा कर और उससे फिर से मेल मिलाप कर. हालेलुया. यहां से हम पढ़कर हम पढ़ते हैं आगे 35 को पढ़ेंगे, तो वह क्या लिखा है. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा. हालेलुया. परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम अपने भाई को अपने बंधु को तू क्षमा नहीं करेगा तो मैं भी तेरे पापों को क्षमा नहीं करूंगा. प्रिय भाई मेरा इस वचन का मेरे देने का मकसद क्या है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हीलिंग हो, डिलीवरिंग्स हो, उनके घर में बरकत आए, छुटकारा आए, पर नहीं हो पाता है. उसके पीछे का रीजन ये भी होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी कड़वाहट है औरों के लिए, ऐसा गुस्सा है जो आप उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहे हो. गुस्से के कारण प्रभु के वचन में लिखा गुस्सा तो कर पर पाप ना कर. परमेश्वर कहता है गुस्सा करना तेरा अधिकार है. जिस इंसान ने तुझे दुख दिया, तकलीफ दिया, उसके साथ तू गुस्सा कर सकता है, पर उसे माफ ना करके तू पाप नहीं कर सकता. अगर तू उसका अपराध क्षमा नहीं करेगा तो तू फिर पापी होगा, तू दोषी माना जाएगा. खुदावंद कहता है यहां 35 में, इसी प्रकार यदि तू अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा, मन से क्षमा नहीं करेगा तो मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा तेरे पापों से. हालेलुया. तो कितना जरूरी है, अगर आप चाहते हैं आशीष बरकत लेना, स्वर्गीय आशीष और संसारिक आशीष लेना चाहते, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपके पीठ पीछे वार किया है, बहुत बुरा वो करता है या करती है, आपने क्या करना है, उससे उसके साथ मेल मिलाप करना है, उन बातों को सॉल आउट करना है, और उसके बाद क्या करना है, आपने मन से उसे क्षमा कर देना है. जब आप ऐसा करोगे आपके गवाही के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि आप प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हो. लोग क्या करते हैं ये मायने नहीं करता, आप क्या करते हो ये मायने करता है, क्योंकि आप मसीही हो. और मसीही शिक्षाएं हमें क्या बताती है कि सबसे प्रेम करना. अब अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में आत्मा के 9 फलों के बारे में, तो सबसे पहले जो पहला फल आता है वो है प्रेम, प्यार, मोहब्बत, कि हमें सबसे मोहब्बत करनी है, क्योंकि हमारे मसीह ने भी हमसे मोहब्बत की. हमारे मसीह ने हमारे पापों को नहीं देखा, हमारे मसीह ने हमारी कमियों को नहीं देखा, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए फिर से वो मुर्दों में से जी उठा, हमें उधार देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, हमें भरपूरी देने के लिए. अगर उस मसीह ने हमें क्षमा कर दिया तो हम कौन होते ना क्षमा करने वाले औरों को, हमें भी क्षमा करने पड़ेगा. हालेलुया. मेरा विश्वास आज का वचन आप बड़ी आसानी से समझ सके परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है. क्या पता यही रीजन हो आपकी आशीष बरकत लेने में. हालेलुया.
आइए हम प्रार्थना में चलते। मेरे साथ आंखों को बंद कीजिए और एक मन एक चित्त हो जाइए, क्योंकि मैंने पहले बोला है जब हम एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। खुदावन के वचन में लिखा, जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मेरा आत्मा उनके बीच में होगा, और जहां आत्मा होगा वहां छुटकारा होगा, वहां आजादी होगी। हालेलुया। आज मांगी मेरे खुदा से जो मांगना, उससे पहले अपने जो भाई बंधु है या रिश्तेदार है, जो भी है जिसके लिए आप आपका गुस्सा है, आप मन से कुड़ावट करते हो क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपने उसे क्षमा करना है। जब आप क्षमा कर दोगे उन सबको, मेरा परमेश्वर आपको क्षमा करके आप जो मांग रहे हैं मेरा परमेश्वर वो आपको देगा। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महासामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और खुदावन तेरी प्रेजेंस में आके जो आपने हमें इस वचन में बताया खुदा विश्वाजा, इस वचन को अपने जीवन में लेते हुए हम तमाम अपने भाई बहन बंधु को खुदावन तेरे नाम में हम क्षमा करते हैं खुदावन, जिन्होंने भी हमारे साथ बुरा किया हम सबको प्रभु तेरे नाम में क्षमा करते हैं खुदावन, क्योंकि प्रभु तूने हमें यही शिक्षाएं दी है, यही शिक्षाएं दी कि सबसे प्रेम करना है, सबसे मोहब्बत करनी। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन हम अपने दिल को तेरे आगे खोलते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम माफ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, पर तेरा वचन कहता है सबसे प्रेम करना है, सबको माफ करना है। इसलिए पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को मानते हुए प्रभु जी हम सबको क्षमा करते हैं खुदावन और तेरे बड़े हाथ को मांगते हैं। सर्वशक्तिमान पिता इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूं, जितने लोग अपने आप को दीन कर रहे हैं और क्षमा कर रहे हैं औरों को, पिता परमेश्वर खुदावन मैं प्रभु तेरे के प्रार्थना करती हूं, एक एक जन की आज की प्रार्थना को सुनना प्रभु जी, एक एक प्रभु जी आज सबकी प्रार्थना को सुनना, जो मांग रहे प्रभु आज इन्हें देना, क्योंकि आज इनके लेने का दिन है खुदावन, आज लेने का दिन है खुदावन, पिता परमेश्वर खुदावन, पिता परमेश्वर क्योंकि इन्होंने तुझसे क्षमा मांगी है खुदावन, अपने गुनाहों को तेरे आगे रखा पिता, अपने मन की बातों को तेरे आगे खोला खुदावन। पिता मैं चाहती हूँ तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए, इन्हें बीमारियों से रिहा करेगी, जो छूटना चाहते हैं प्रभु जी, घर में कर्जे है तो कर्जे से रिहा करे पिता परमेश्वर, घर में दुष्ट आत्मा काम करे तो दुष्ट आत्मा से आप तेरा आत्मा ने रिहा करे पिता परमेश्वर, जॉब नहीं मिल पा रही तो प्रभु तेरा आत्मा आज छुए पिता और परमेश्वर ने जॉब मिल पाई, जो बहनें गर्भवती नहीं हो पा रही प्रभु तेरे नाम में वो गर्भवती होने पाए पिता परमेश्वर खुदावन, जिन्हें दुष्ट आत्मा तंग करी उन्हें दुष्ट आत्मा छोड़ के जाता है प्रभु यीशु तेरे नाम में पिता, ये बड़े बड़े काम करे यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता तूने सबको चुना खुदा बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु जी, ये भी चुने गए खुदा यीशु तेरे नाम में, मेरा विश्वास है खुदा बड़े बड़े काम करने के लिए। ओ मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे महिमामय परमेश्वर, तेरा बड़ा हाथ तेरा दाहिना हाथ इनके जीवन में आए और हर घटी जाती रहे पिता, प्रभु तेरे वचन में लिखा यहोवा मेरा जाली मुझे घटी ना होगी, प्रभु इन्हें घटी ना किसी वस्तु की हो पिता परमेश्वर खुदा, प्रभु तेरे वचन में लिखा जो मेरे खोजी है मैं उनकी तमाम जीव वस्तुओं को पूरा करूंगा, और मेरे परमेश्वर ये तेरे खोजी है खुदा, तुझे खोजने वाले है पिता परमेश्वर खुदा, इनके मन की जरूरतों को पूरा करे, जो ये चाहते प्रभु जी इन्हें वो दीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरा विश्वास है प्रभु जी जो मांग रहे अपने दिल को खोले तेरे आगे प्रभु तू दे रहा है खुदा, भर भर के दे रहा है प्रभु तू, भर भर के दे रहा है मेरे खुदा यीशु आजा, मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने प्रभु इन्हें दे दिया खुदा, आपने इन्हें चंगा कर दिया, आपने भला कर दिया खुदा, तेरा लहू इनके ऊपर आ चुका प्रभु जी, तेरी सामर्थ्य इनके ऊपर आ चुकी है प्रभु यीशु आजा, तेरे नाम से पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं, और सबको भाई बहनों को बड़े बुजुर्गों को प्रभु जी मैं तेरे लहू में कवर करती हूं, मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमेन आमेन। आप सब ब्लेस हैं प्रिय भाई बहनों, ब्लेस हैं, और मैं आप सभी से फिर से निवेदन करती हूं, हर रोज फास्टिंग चल रही है आप सभी को पता है, 1 बजे हम लाइव आते हैं यूट्यूब पर, आप सब इनवाइट है, और जब आप उस लाइव में आते हो आप सेम नहीं रहते हो, आप बिल्कुल सेम नहीं रहते हो, ये मेरा विश्वास है, आप लाइव में जुड़िए, उस लाइव में फास्टिंग के दौरान जो मांगना मांगिए, मैं आपसे वादा करती हूँ मेरा परमेश्वर इन फास्टिंग के दौरान आपको वो देगा, आपके हालात बदलेगा, उसके लिए आपको लाइव में आना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना में रहना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया, सबको जय मसीह।